हे गाइस, और एक बहुत ही कमाल के वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले ओप्पो की तरफ से लॉन्च होने वाला ओप्पो रेनो 8 प्रो प्लस 5G के बारे में बात करेंगे। ये जो फ़ोन है ना, इसको ऑफिशियली चाइना में लॉन्च कर चुका है। तो ये जो इसका जो प्राइसिंग है चाइना में क्या है, एंड इंडिया में जब ये आएंगे तो क्या प्राइसिंग के साथ ये इंडियन मार्केट में आने वाला है, एंड कब तक ये इंडिया में आपको देखने के लिए मिलेंगे, सब कुछ A to Z डिटेल्स में बताने वाले इसी फ़ोन के बारे में। बट ये जो सीरीज़ है ओप्पो रेनो 8 जो सीरीज़ है ना भाई, इसमें आपको टोटल 3 फ़ोन देखने के लिए मिलेंगे। ओप्पो रेनो 8 प्रो प्लस 5G, ओप्पो रेनो 8 प्रो 5G एंड ओप्पो रेनो 8 5G। बट आज हम स्पेशली ओप्पो रेनो 8 प्रो प्लस 5G के बात करेंगे, क्या है इसके स्पेसिफिकेशन, क्या है प्राइसिंग चाइना में एंड इंडिया में, क्या प्राइसिंग के साथ आने वाला है एंड कब तक आने वाला है। तो गाइस ज्यादा बातें नहीं करेंगे, इस फोन के बारे में आज हम इसमें बात करने वाला है। तो गाइस वीडियो को फटाफट से शुरू करते। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इस फोन की डिस्प्ले के बारे में। तो भाई 6.7 इंच का एक फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले के साथ ये आता है, जिसमें 120Hz का हाई रिफ्रेश देखने के लिए मिलेंगे। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को देखने के लिए मिल जाएंगे। 10 बिट कलर को ये सपोर्ट करता है, एंड HDR10 प्लस को ये सपोर्ट करता है। गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ही कमाल का डिस्प्ले लगाया गया है, बहुत ही अच्छे डिस्प्ले है, डिस्प्ले से कोई भी शिकायत आपको नहीं आने वाला है। एंड बात करने वाले इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो भाई इधर आपको MediaTek Dimensity 8100 मैक्स वाला प्रोसेसर लगाया गया है, जो भाई 5 nm पे बेस करके बनाया गया है इस प्रोसेसर को, मतलब बहुत ही कम आपके बैटरी को कंज्यूम करने वाला है। एंड माली G610 MC6 का GPU मिलेंगे, जो गाइस आप अल्ट्रा HD गेमिंग कर सकते हो या मल्टी स्क्रीन आराम से ये हैंडल कर सकते हो। जो भी करना है वीडियो एडिटिंग, वीडियो रेंडरिंग, जो भी करना चाहते हो आराम से ये हैंडल कर सकते हो, भी लैग इश्यूज आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। बहुत ही कमाल के प्रोसेसर है, बहुत ही अच्छे प्रोसेसर है मिरर की तरफ से। एंड बात करने वाले इस फोन की कैमरा, तो पीछे आपको टोटल 3 कैमरा मिलेंगे, 50+8+2 टोटल 3 कैमरे के साथ आते हैं। एंड फ्रंट पे 32 MP का एक पंचोल सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। कैमरा को क्वालिटी बहुत ही अच्छी, क्योंकि भाई आपको जैसा पता है ओप्पो का जो फोन होता है भाई कैमरा सेंट्रिक फोन होता है, एंड बहुत ही कमाल के कैमरा इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो भाई आप देख सकते हो ऐसे सैंपल्स आपको मिलेंगे कैमरे से, बहुत ही कमाल के कैमरे, कैमरे से कोई भी शिकायत आपको नहीं आने वाला है। एंड बात करने वाले इस फोन की बैटरी, तो भाई 4500 mAh की बैटरी मिलेंगे, साथ में 80W का फास्ट चार्जिंग, जो भाई बहुत ही जल्दी आपके बैटरी को यह चार्ज करने वाला है। एंड अदर कनेक्टिविटी बात करेंगे तो गाइस टाइप सी का पोर्ट होने वाला है, बट आपको सैडली 3.5 mm ऑडियो जैक देखने के लिए नहीं मिलेंगे। एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स से मिलेंगे, कलर ओएस 12.1 पे रन करता है। LPDDR5 वाला रैम इधर आपको देखने के लिए मिलेंगे, EOFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ आता है, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 के साथ भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। NFC है भाई फोन में, एंड इसका जो रैम है आप वर्चुअली 7 GB तक इसका रैम एक्सपेंड कर सकते हो। एंड 12 स्पीकर का सपोर्ट भी दे रखा था, तो गाइस बहुत ही अच्छे खासे साउंड पकड़े इससे आप सुन पाएंगे, बहुत ही क्रिप्स एंड क्लियर साउंड आने वाला है। तो गाइस ये था इसका फुल ऑफ स्पेसिफिकेशन। एंड बात करने वाले इस फोन की प्राइसिंग, तो ये चाइना में 2 बिलियन में लॉन्च हुआ है, 8GB 256GB जिसका चाइनीस में प्राइस है 3699 चाइनीस यन। एंड अगर भाई इसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करते हो तो भाई 43,100 rupees तक आता है इसका प्राइसिंग, जो बेस वेरियंट है। एंड इसका जो अपर वेरियंट है 12GB रैम 256GB स्टोरेज, इसका चाइनीस में प्राइस है 3999 4000 yen, जो इंडियन रुपी में होता है 46,600 rupees इंडियन रुपीज में। और गाइस अगर भाई ये फोन इंडिया में आएंगे तो भाई क्या प्राइस पॉइंट के साथ आ सकता है, मेरे हिसाब से इसका प्राइसिंग 50-55,000 के अराउंड आ सकता है, क्योंकि भाई चाइना में 46,600 rupees है, तो डेफिनेटली इंडिया में 50,000-55,000 के अराउंड इसका प्राइसिंग रह सकता है, ऐसा ही मेरा प्रेडिक्शन है। आपको क्या लगता है क्या प्राइसिंग के साथ ये आ सकता है, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बता सकते हो। एंड भाई बात करेंगे ये कब तक इंडिया में आने वाला है, बहुत ही जल्दी इंडिया में आने वाला है, क्योंकि भाई यह जितने भी सारे ओप्पो के फ़ोन आप देखेंगे ना, सभी के सभी फ़ोन इंडिया में लॉन्च हुआ है ज़रूर। तो भाई ये भी फ़ोन आपको 1-1.5 महीना में आराम से इंडिया में देखने के लिए मिलेंगे, तो भाई कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी यह फ़ोन आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइस इतना ही था वीडियो से, इतना ही जानकारी इस ओप्पो रेनो 8 प्रो प्लस 5G के बारे में। तो गाइस कैसा लगा फोन, कैसा लगा इन्फॉर्मेशन, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हो। ऐसे वीडियोस आपको आगे भी मेरे चैनल पर मिल रहेंगे, तो गाइस ज़रूर से मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रखना एंड बेल का आइकन भी दबा देना, तो गाइस आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। तो गाइस चलते मिलते किसी नेक्स्ट और एक कमाल के वीडियो के लिए, बाय बाय।